बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा गड़बड़ हो सकता है सिक्योरिटी रिलेटेड, थोड़ा करप्ट प्रैक्टिसेस, टीचर भी इंडल्ज हो जाते हैं जिसके कारण ये सब चीज़ें होती हैं। बस यही कहा जाएगा कि पिछले लास्ट मतलब पिछले की गलतियों से सीख के आगे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए ताकि स्टूडेंट का ट्रस्ट फिर से एक बार बन जाए। नहीं, UPSC को लेकर ऐसा कोई डर तो नहीं। बिहार लेवल की परीक्षाओं में, हाँ बिहार लेवल की परीक्षाओं में ऐसा डर बना हुआ है अभी फिलहाल में, जैसा 67th में हुआ है तो उसको लेके है, लेकिन UPSC को लेकर ऐसा कोई डर नहीं है। इस लेवल का एग्जाम प्रोवाइड किस तरह कर रहे हैं कि मतलब कोई भी लिख कर देगा, बदनामी तो बिहार की होती है ना। आप कोई भी अदर स्टेट में जाकर बिहार नहीं कहिए कम बिहार का, स्टेट लेवल में BPSC टॉप उससे ताकि कोई एग्ज़ाम नहीं होती है, लेकिन जब उसमें लीक हो जाती है तो क्या विश्वास है कि नीचे वाला एग्ज़ाम में धांधली नहीं होता होगा। तो भरोसा मतलब फैथ नहीं है, UPSC में जो फैथ है BPSC तो उसका मतलब 0.1 पे भी रख दे तो बहुत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ रश्मि। आज UPSC का एग्ज़ाम है जिसे देने के लिए कई छात्र अपने अपने सेंटर पे पहुंच चुके हैं। दो पाली में ये एग्ज़ाम होने जा रहा है, ऐसे में छात्रों के मन में कई सवाल होते हैं कि क्या वो UPSC क्रैक कर पाएंगे और अगर क्रैक कर पाएँ तो कितना रैंक हासिल होगा। इसके साथ ही बिहार में जिस तरीके से अभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं तो एक मन बिहार के छात्रों में ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से BPSC का पेपर लीक हुआ उसके बाद MBBS का भी पेपर लीक हुआ, ऐसे में आज हम छात्रों से जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। इसके साथ ही पहली पाली की परीक्षा उनकी कैसी गई, तो आइए जानते हैं यहाँ मौजूद छात्रों से। कैसा गया आपका एग्जाम पहली पाली का? हाँ मैम, ठीक रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। UPSC का पेपर था और पूरा शांतिपूर्वक हुआ है जो हम लोग का जिस सेंटर पे था, और इसमें कहीं कोई दुविधा वाली बात नहीं है। क्या लगता है एग्ज़ाम मतलब क्लियर हो जाएगा या क्वेश्चन बहुत हार्ड था? नहीं मैम, क्वेश्चन तो जो लेवल में UPSC का उसमें कोई कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता मेरा क्लियर ही हो जाएगा, बट इतना था कि एग्ज़ाम ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बात तो आंसर किए जाने के बाद ही कुछ मन में कोई डर था जिस तरीके से BPSC सरसठवीं का पेपर लीक हो गया? नहीं, ऐसा बात नहीं था। वो BPSC और UPSC में कंपेयर करना बहुत ही हम लोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि BPSC एक वो स्टेट लेवल है, लेकिन UPSC जो केंद्र सरकार का इसका कंडक्ट कराती है, लेकिन ये एग्ज़ाम जो हुआ तो बहुत शांतिपूर्वक हुआ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी परीक्षा कैसी रही? जी मैम, एग्ज़ाम तो ओवरऑल ठीक रहा, लेकिन मेरा पहला बार था, पहला अटेम्प्ट था, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, पैटर्न और किस तरह के सवाल आते हैं, तो फिर भी जिस तरह से तैयारी चल रहा था मेरा PCS को लेकर उसके हिसाब से ठीक ठाक गया, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा टफ लगा और मतलब प्रीवियस ईयर के मुकाबले। लेकिन और एग्ज़ाम रहा BPSC और UPSC के कंपेयर में देखने का तो मेरे हिसाब से सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ और सब कुछ अच्छा रहा। दूसरी पाली के लिए क्या तैयारी है, क्या लग रहा है? हाँ तैयारी उसके लिए है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि CSET के लिए मैथ्स रीजनिंग और ये मैथ्स इंग्लिश वगैरह सब कुछ ठीक है मेरा, मैं इसके लिए तैयारी कर रहा था, और GKGS के लिए BPSC से मेरे अकॉर्डिंग जो दृष्टि का बुक था वो सब फॉलो कर रहा था, तो देखते हैं आखिर आगे क्या होता है। इसे तो बोल नहीं सकते कि हाँ रिजल्ट हो ही जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है, जब एग्ज़ाम देख के खुश हैं कि चलो कम से कम जो भी हुआ ठीक है, देखते हैं। अभी परीक्षा दे के आ रहे हैं पहली पाली का, कैसा रहा पहले? अभी एक्चुअली यार अभी तक तो बहुत बढ़िया रहा फर्स्ट पेपर का मेरा एग्ज़ाम, क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ ये UPSC का। जी हाँ, वहाँ पे अंदर में तैयारी कैसी थी? तैयारी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है जी, क्वेश्चन पैटर्न गार्ड्स वगैरह हाँ जी ध्यान दे रहे, हाँ बिल्कुल ध्यान दे रहे थे, जो सिक्योरिटी वगैरह थी अंदर में, मतलब आपको लगा कहीं पे भी चूक या कुछ भी? नहीं नहीं, कहीं पे भी चूक वूक नहीं लग रहा है, ऐसा कोई ये नहीं है, सब चीज़ एकदम सही हो रहा, जो भी हो रहा है एकदम बिल्कुल सही हो रहा। अभी दूसरी पाली के लिए कैसी तैयारी है? दूसरी पाली के लिए एकदम बहुत अच्छा तैयारी है, इसके लिए कोई ये नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, जो कि जो उस हिसाब से मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है UPSC का एग्ज़ाम। अच्छा, BPSC सरसठवीं का पेपर लीक हुआ तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग ही BPSC भी देते हैं UPSC भी देते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक छात्र हैं? जी जी बिल्कुल, इसके लिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं इसके बारे में मैं नहीं एग्ज़ाम दे पाया था समझना, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रभारी का ही हाथ हुआ होगा, तब तो कहीं ना कहीं लीक होता है, अन्यथा आम पब्लिक तो लीक नहीं कर सकते हैं। कैसी रही आपकी पहली पाली की परीक्षा? बिल्कुल सही था, लेकिन थोड़ा सा पेपर टफ था कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो स्टैटिक में प्लस करंट अफेयर्स सब मिक्स्ड अप थे क्वेश्चंस।
अंदर की तैयारी कैसी थी, क्या लगा अंदर में कुछ भी सिक्योरिटी को लेके कोई कमी हो या कुछ भी? जी नहीं, बिल्कुल अच्छा था, एकोमोडेशन बिल्कुल सही था और एनवायरमेंट भी काफ़ी सही था। अच्छा, ये बताओ कि आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था क्या? नहीं। आपने सुना होगा कि बीपीएससी का पेपर लीक हो जी गया। जी, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं आपके मन में अब बिहार के जितने एग्ज़ाम होते देने में डर ज़रूर लगेगा? बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा गड़बड़ हो सकता है सिक्योरिटी रिलेटेड, थोड़ा करप्ट प्रैक्टिसेस, टीचर भी इंडल्ज हो जाते हैं जिसके कारण ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें कम होने से, क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी बर्डन बढ़ जाता है, जैसे पेपर लीक हो जाता है तो स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके कारण थोड़ा सा मतलब सिक्योरिटी की काफ़ी ज़रूरत है। अंदर का जो माहौल था वो कैसा था आपको एग्ज़ाम देने? बहुत कम्फर्टेबल था, एकदम अच्छा मैनेजमेंट था हर चीज़ का, टाइम से पेपर डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया, टाइम से 10 मिनट पहले OMR शीट भी दे दिया गया था सब। दूसरी पाली की तैयारी कैसी है? ठीक है। क्या लगता है कि इस बार क्रैक हो जाएगा? वो तो स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं लगता क्योंकि जैसा कि ये अनएक्सपेक्टेड होता है, मतलब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप पहले से कितना हो सही होगा कितना गलत होगा, बट हाँ ठीक था इसका लेवल। UPSC 2021 की जो रिजल्ट आई उसमें बिहार की लड़कियों ने अपना पर्चा लहराया, सेकंड लड़कियां उसमें सेकंड चुकी हैं, तो क्या लगता है खुद को इंस्पिरेशन तो मिल रहा होगा? हाँ एकदम से। अच्छा, बिहार में जिस तरीके से अभी बिहार की अगर बात करें BPSC है, इसके अलावा अभी दो दिन पहले MBBS का भी पेपर लीक हो गया, तो क्या लगता है बिहार की अगर बिहार लेवल की जो परीक्षा है वो देने में आपको डर लगता हो क्योंकि लगातार परीक्षाएं के पेपर लीक हो रहे हैं? अब ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो थोड़ा डर तो लगेगा ही ना। क्या लगता है अब क्या कहना चाहते हो इस बारे में, जिस तरीके से बिहार में लगातार पेपर लीक हो रहा है, अभी तक सिर्फ जांच ही चल रहा है? तो यही कहा जाएगा कि पिछले की गलतियों से सीख के आगे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए ताकि स्टूडेंट का ट्रस्ट फिर से एक बार बन पाए। कैसी रही आपकी परीक्षा पहली बार? अच्छी रही। क्या लगता है क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी तो कुछ क्लियर नहीं कर सकते लेकिन अच्छी गई हुई है। पहला अटैम्प्ट था? हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट था। जिस तरीके से अगर बिहार के एग्ज़ाम की बात करिए तो आपका सेंट्रल की परीक्षा है, लेकिन बिहार की भी आप परीक्षा तो देती ही होंगी। हाँ जी। वैसे में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, BPSC का लीक हुआ, MBBS का लीक हुआ, तो क्या लगता है एक मन में डर रहता है? नहीं, UPSC को लेके ऐसा कोई डर तो नहीं है। बिहार लेवल की परीक्षाओं की मैं बात हाँ बिहार लेवल की परीक्षाओं में ऐसा डर बना हुआ है अभी फ़िलहाल में, जैसा 67th में हुआ है तो उसको लेके है, लेकिन UPSC को लेके ऐसा कोई डर नहीं है। पेपर ठीक था, मतलब 70-80 अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यदि आगे जाते हैं तो फिर आप अपने अनुसार से रिस्क खेलिए। 70-80 ठीक ठाक ही है, 70-80 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट या एलिमिनेशन मेथड जो लगाना हो तो 70-80 बीच में आप जा सकते हैं। सी सेट के लिए अभी तैयारी कैसी है? सी सेट के लिए कोई ज़्यादा परेशान नहीं है, जो यदि इसका प्रिपरेशन किया हुआ है तो मैथ या हल्का सा देख ले। अब जो इस लेवल का एग्ज़ाम तैयारी करता है वो सी सेट के लिए डर जाए तो फिर बैठे ही नहीं इस एग्ज़ाम में। अभी हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से BPSC का पेपर लीक हुआ, MBBS का, तो आप सेंट्रल का भी एग्ज़ाम देते हैं, बिहार गवर्नमेंट का भी आप एग्ज़ाम देते ही होंगे, फॉर्म भरते ही होंगे, तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहा है तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहना इसमें क्या कहिएगा, आयोग ही सबसे बड़ा मेन, कोई भी चीज़ में यदि कुछ भी कोई भी चीज़ में गलती होती है तो वो सेंटर कप्तान को ही जाती है, आप दोषी में ठहरा सकते हो कप्तान को ही, जहाँ से भी आप कोई भी चीज़ में काम लाइएगा तो दोषी कप्तान ही जाएगा, आयोग ही जाएगा, क्योंकि आप इस लेवल का एग्ज़ाम प्रोवाइड किस तरह कर रहे हैं कि मतलब कोई भी लीक कर देगा, बदनामी तो बिहार की होती है ना, आप कोई भी अदर स्टेट में जाकर बिहार नहीं कहिएगा हम बिहार का है, क्योंकि बदनामी आप चरम सीमा पर, जिस लेवल का एग्ज़ाम है सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम है ये, स्टेट लेवल में BPSC टॉप, उससे तो कोई एग्ज़ाम नहीं होती है, लेकिन जब उसमें लीक हो जाती है तो क्या विश्वास है कि नीचे वाला एग्ज़ाम में धांधली नहीं होता होगा, इस बात को कोई गारंटी नहीं है। ये तो सत्ता वाला हाल है ना, ये कंडीशन BPSC का सत्ता का है, सत्ता में रहना तो इस पार्टी से गठबंधन करना है, वही सब मिला जुला खेल है, सत्ता हो पक्ष हो विपक्ष हो हर कोई इन्वॉल्व है इसमें, आप इसमें मतलब किसी को आरोप या प्रत्यारोप नहीं कर सकते, हर कोई जान रहा है कि इसमें गेम होता है, पीछे से भी हुआ है, ऐसा नहीं कि इससे सरकार में हुआ, कुछ यदि पीछे सरकार में नहीं हुआ तो विपक्ष क्या कर रही है, सवाल तो उठेगी है, क्योंकि हर कोई चीज़ में गवर्नमेंट का ही हाथ होता है, आप जन्म हुआ से मरण तक ले मरने तक गवर्नमेंट से आप जो हट नहीं सकते।
अब आपको बिहार लेवल का एग्ज़ाम देने में नहीं मन करता है, डर नहीं, मन ही नहीं करता है कि बिहार स्टेट का एग्ज़ाम दें। मतलब इतना संतुष्टि है कि बिहार स्टेट का एग्ज़ाम मतलब बैठे तो जो होना है मतलब नॉनसेंस हो के खेलिए, ठीक ठाक किस्मत है तो वो आया तो ठीक है, नहीं तो भरोसा मतलब फैथ नहीं है। यूपीएससी में जो फैथ है बीपीएससी तो उसका मतलब 0.1 पे भी रख दे तो बहुत है। जी धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ मौजूद छात्रों का जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला जवाब था वो ये था कि अब उन्हें बिहार लेवल के एग्ज़ाम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके मन में डर भी होता है। इसके साथ ही जिस तरीके से बीपीएससी का पेपर लीक हुआ वहीं हाल ही में एमबीबीएस का भी पेपर लीक हो गया, जहाँ छात्र के पास सेंटर में प्रवेश करने के पहले ही उसके पास प्रश्न पत्र मौजूद था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन अब बिहार के छात्रों में ये मन में डर समा चुका है कि अगर हम बिहार लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें धांधली होनी तय है और बिना भ्रष्टाचार का बहाली हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में बिहार सरकार पे कई सवाल खड़े होते हैं, इसके साथ ही बिहार सरकार की थूथू भी ज़रूर हो रही है। अब देखना होगा कि यहाँ मौजूद छात्रों की जो उम्मीद है वो पूरी होती है या नहीं होती है। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ।